जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को यूएपीए के तहत दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 11 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने खालिद पर इंडियन पीनल कोड की 18 अलग अलग धाराओं के साथ हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप लगाए। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। वहीं उमर के वकील त्रिदीप पाइस ने कहा कि उनके भाषण में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था और सीएए का विरोध करना कोई अपराध नहीं है। उमर खालिद की गिरफ्तारी के एक दिन बाद टाइम्स नाउ ने अपने शो इंडिया फ्रंट में हैशटैग उमर लॉबी सीक्रेट टेप का इस्तेमाल किया। चैनल ने दावा किया कि बातचीत से मालूम चल रहा है कि ये कट्टरपंथी उमर खालिद से कथित तौर पर जुड़े हैं। एंकर राहुल शिवशंकर ने कहा कि एक्टिविस्ट लॉबी ने एक प्राइवेट बातचीत में यह स्वीकार किया है कि खालिद एक खतरनाक संगठन से जुड़े हुए हैं। यहाँ वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की बात कर रहे हैं, जिस पर दिल्ली दंगों में उकसाने और फंड देने का आरोप लगा है। शिवशंकर ने खालिद पर मुसलमानों को कट्टरपंथी बनाने का आरोप लगाया। इसके बाद चैनल ने एक वीडियो चलाया जो कि असल में जूम पर हुई एक कॉन्फ्रेंस कॉल थी। टाइम्स नाउ ने दावा किया कि ये वामपंथी एक्टिविस्ट के बीच हुई एक प्राइवेट बातचीत है जो कि लीक हुई है। राहुल शिवशंकर ने कहा कि उमर खालिद को बचाने के लिए लेफ्ट लुटियंस लॉबी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है, और इसके बाद वो वीडियो दिखाया गया। हाउ कैन दिस बी व्यूअर्स, इन सीक्रेट दे एक्सेप्ट दैट उमर खालिद टाइज विद अ डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन, or at least in private they admit that the PFI is a dangerous organization, so it should stand to reason that Umar Khalid's ties with that organization could not be in national interest. They're admitting all this. But in public, they're defending him. First, viewers, listen to this admission that totally exposes this left lobby Lutyens-driven campaign to save Umar Khalid, even though they know that the organization that he is dealing with is palpably dangerous. Listen to this conversation, viewers. It is absolutely shocking, astonishing, and points to a massive fraud that is being committed on all of us. Listen to this. I would like to bring to your notice the rise of another right-wing organization, and that working with Muslims here in Bangalore. So I'm very sure you all must be very concerned about what is happening in Bangalore and the narrative that is being set nationally because of the unfortunate incidents. But what we are missing is the right-wing rise of SDPI and PFI. So when we talk about fighting the RSS, and if we don't fight a right-wing that is coming from the community of Muslims, we don't have the moral authority to fight them. And neither do the borderliners and the seculars who are not Muslims or Dalits will come in our fight. Because there's hypocrisy if we don't fight organizations like SDPI and PFI. Now, we might have differences and we can debate. We can also debate on whether these organizations should be banned or not. But yes, they should definitely be prosecuted for the radicalization of youth. But again, these are radicalized youths. Inko galat bataya gaya. Inko sirf itna bata diya jata hai ki dekho, Babri Masjid tha, toot gaya. Ab hume badla lena padega kyunki judiciary or everything is not in our support. Now, Prashant Bhushan is the founder of Swaraj India Party. अब उनके ऊपर कंटेंप्ट का केस हुआ है और उनको जो है सजा भी मिली है गलत, पर उसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाकर सुप्रीम कोर्ट जलाने की बात करूं। एसडीपीआई कहता है कि अगर नहीं हो रहा है अपने हाथ में चीजें लेकर वॉयलेंटली करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई मुस्लिम पार्टी बनाना चाहते हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पर जब उसके अंदर वॉयलेंस आ जाता है तो प्रॉब्लम है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बारे में सोचें और आप लोग एक कनेक्ट अपना शुरू करें, डिबेट शुरू करें। जो एक्टिविस्ट हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इस पे काम कर रहे हैं, वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन इट। स्वराज इंडिया की तरफ से हम इसमें आना चाहते हैं क्योंकि एसडीपीआई एंड पीएफआई नीड्स टू be countered. I really admire your honesty and integrity. Aur bas main do lafz kahungi kyunki I don't want to give a lamba choda thing on Indian secularism or where liberals have stood on minority communalism. Magar ye baat zarur hai, musalmanon ke beech mein jahan par is tarah ki tendency paida hoti hai, us pe karwahat se aur teekhepan se nahi bola jata, and I think ye galat hai. I think we need to be very very clear that when we are talking about it, because isliye maine mere isme kaha कि बंटवारे विभाजन का अगर आप रेफरेंस नहीं देंगे तो आप इंडियन स्टेट का फॉर्मेशन को पूरी तरह नहीं समझ सकते। आई विल ओनली से दिस मच फॉर नाउ एंड दैट एसडीपीआई पीएफआई रिमेन प्रॉब्लमैटिक फॉर पीपल लाइक अस, कम्युनिज्म कॉम्बैट, सीजेपी, समरंग इंडिया। वी हैव टेकन अ पब्लिक स्टैंड नॉट टू शेयर अ प्लेटफॉर्म विद देम। आई डोंट स्पीक फॉर एवरीवन एल्स, आई स्पीक फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन। इस बातचीत के बारे में, इस कथित सीक्रेट फुटेज के बारे में
टाइम्स नाउ ने राहुल शिवशंकर ने यह बताया कि ये इंटेलिजेंस एजेंसी से लीक हुई है, जबकि असल में ये 16 अगस्त को सिविल राइट एक्टिविस्ट का एक वेबिनार है। इस जूम कॉल को पेडेस्ट्रियन पिक्चर्स ने फेसबुक पर लाइव दिखाया था। इस वेबिनार के बारे में countercurrents.org ने 13 अगस्त को बताया था और पेडेस्ट्रियन पिक्चर्स ने भी 14 अगस्त को फेसबुक पर इसके बारे में पोस्ट किया था। टाइम्स नाउ के इस कथित खुलासे के बाद स्वराज इंडिया ने उन्हें ट्विटर पर जवाब देते हुए लिखा कि आपका सुपर एक्सक्लूसिव हैशटैग उमर लॉबी सीक्रेट टेप असल में एक पब्लिक बातचीत का हिस्सा है। और स्वराज इंडिया ने यह भी कहा कि उमर खालिद कभी भी SDPI और PFI से नहीं जुड़े हैं। उमर खालिद के खिलाफ कई FIR दर्ज हुई हैं, उनमें से एक में उनके खिलाफ PFI से फंड जुटाने का आरोप है। खालिद के वकील ने इन सारे आरोपों को खारिज किया और कहा कि ये बेबुनियाद हैं और लोगों पर दबाव डालकर खालिद के खिलाफ केस बनाया गया है।